ये निडल लेस बनाने के लिए आप इसे थ्रेड को ऐसे कनेक्ट करेंगे। अगर सिल्क थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो इसे पहले प्रिपेयर करें, इसके लिए मेरा वीडियो रिफ़र करें। ये लेस को क्रोशे से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने मेरा वीडियो में एक फर्स्ट स्टिच बनाया है, तो उसे भी रिफ़र कर सकते हैं आप कि किस तरह से फर्स्ट स्टिच बनाना है। तो राइट साइड में लूप रखा है, निडल इंसर्ट करके थोड़े से स्पेस को रख के एक स्पेस क्रिएट किए, ये सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करना है। टू टाइम इस तरह से रैप करना है। और पिकॉट बनाएंगे, तो राइट साइड में लूप रखा है इस तरह से, जिस तरह से चेन स्टिच बनाते हैं फैब्रिक पे, और इसे इसके ऊपर डालना है पिकॉट बनाने के लिए। फर्स्ट पिकॉट बन गया है। अब थोड़े से डिस्टेंस पे फिर से निडल इंसर्ट करना है और राइट साइड में लूप को रखा है, और एक स्पेस क्रिएट करेंगे, इसमें निडल इंसर्ट करके टू टाइम रैप किया। अब ये जो फर्स्ट पिकॉट बनाया था इसके लूप में हमें इंसर्ट करना है निडल को, और इस तरह से टू टर्न्स लेने हैं और एक ट्रायंगल बनाना है इस तरह से। अब हमें ये ट्रायंगल पे वर्क करना है। तो ये जो फर्स्ट नीचे की फर्स्ट स्पेस है इसमें हुक निडल इंसर्ट करेंगे, और इस तरह से लूप को रखा है, वन स्पेस क्रिएट करेंगे इस तरह से, ये इसके ऊपर स्पेस क्रिएट हो गई। अब ये स्पेस में हमें निडल इंसर्ट करना है और इसके ऊपर पिकॉट बनाना है। टू टर्न्स लिए इस पे, टू रैप, और इसमें से ये ऐसे निकाले, और सेम स्पेस में मैं फिर से इंसर्ट कर रही हूँ। अब राइट साइड में रखा है इस पे। अब चेन स्टिच जिस तरह से बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और इसके ऊपर लेके आ जाएंगे थ्रेड को, और यहाँ निडल्स को से होल्ड करेंगे इसे, और इसके टॉप पे भी एक पिकॉट बना देंगे। पुल करते हुए इसके टॉप पर पिकॉट बन गया है। अब सेकंड बटन होल स्टिच बनाएंगे। अब जो स्पेस हमारी क्रिएट हुई है वो स्पेस में निडल को इंसर्ट करेंगे, टू टर्न्स लेंगे, राइट साइड में रखते हुए इसके ऊपर पिकॉट बनाएंगे, इसे इसके ऊपर डालेंगे, और ये जो अटैच है थ्रेड उसको होल्ड करके रखेंगे इस तरह से। सेकेंड पिकॉट बन गया इस पर। अब फिर से थर्ड टाइम मैं निडल इंसर्ट कर रही हूँ, इस साइड ही रखा है मैंने। अब ये सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करेंगे, फिर से पिकॉट बनाएंगे थर्ड टाइम, टू टाइम रैप किया। अब इस साइड थ्रेड रखेंगे, सेम होल में इंसर्ट करेंगे निडल को, चेन स्टिच बनाते हुए इसके ऊपर लेके आएंगे और पिकॉट बना देंगे। तो थर्ड टाइम ये पिकॉट बन गया है इसके ऊपर। अब हमें ये जो सेकेंड, ये फर्स्ट स्पेस में मैंने थ्री टाइम वर्क किया, अब ये जो सेकेंड स्पेस है इसमें वन टाइम इस तरह से बटन होल स्टिच बनाएंगे, और ये डिज़ाइन को स्टेबलाइज कर देंगे। अब इसे अटैच करना है फैब्रिक की एज पे, तो इस तरह से लूप रखा है मैंने। थोड़े से डिस्टेंस पे मैंने निडल इंसर्ट की है और यहाँ पर इसे अटैच कर दिया। आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट हो गया मोटिफ, अब सेम रिपीट करेंगे। तो ये एक कंप्लीट होने के बाद फिर से सेम रिपीट हो रहा है, अब सेम वन स्पेस बना के सब सेम रिपीट करेंगे।
तो इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे और इसे आप क्रोशे से भी सीख सकते हैं।